पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नवरात्रि के पांचवें दिन माता रानी के पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। माँ अपने भक्तों पर पुत्र के समान स्नेह लुटाती है। माँ की उपासना से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। माँ का स्मरण करने से ही असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। भगवती के स्कंद माता स्वरूप की उपासना नवरात्र के पंचमी तिथि पर विशेष रूप से की जाती है। देवी के इस स्वरूप की आराधना से व्यक्ति की सभी कामनाएं पूर्ण होती है, वहीं उसके मोक्ष का मार्ग भी सुलभ हो जाता है। कार्तिकेय की माता होने के कारण ही देवी के इस स्वरूप को स्कंद माता नाम मिला है। काशीखंड देवी पुराण और स्कंद पुराण में देवी का विराट वर्णन है। माँ की उपासना से परम शांति और सुख का अनुभव होता है। ओम जले शीतलीकरण पुष्पे देवादिवंदना शीतले तम जगतमाता शीतले तम जगत्पिता शीतले तम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। आदिशक्ति महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती माँ भगवती, जिनको देवी नहीं महादेवी कहा गया है, जिनकी आराधना सभी देवताओं ने मिलकर की है, भगवान राम ने भी इनकी स्तुति की है। ये चैत्र नवरात्र होते हैं, ये 9 दिन उपासना होती है और इसी में जो है रामनवमी मनाई जाती है। भगवान का धराधाम पे आगमन हुआ है। दूसरे शरदीय नवरात्र आते हैं, जिनमें भगवान राम ने स्वयं माँ भगवती की आराधना कर करके विजयदशमी के दिन कन्या पूजन करके और रावण का वध किया था। ये नवरात्र 1 साल में 4 बार आते हैं, 2 गुप्त होते हैं, 2 प्रसिद्ध होते हैं। ये आज माँ का पंचम नवरात्र है। इनको स्कंद माता के रूप में हम जानते हैं। ये भारत में ही नहीं बाकी पूरे विश्व में ये नवरात्र बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। यहाँ पर श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर में नित्य प्रति 3:30 बजे से 5:30 बजे तक माँ के भजन बड़ी श्रद्धापूर्वक किए जाते हैं। इसमें अनेक संख्या में सभी भक्त, सभी महिलाएं, सभी स्त्री पुरुष आकर के आराधना करते हैं और माँ का श्रृंगार करते हैं, फिर आरती प्रसाद इत्यादि वितरण करते हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।